नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोग जो अपनी ICT की क्लासेस कर रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए, इसके अलावा आप DSSSB और चंडीगढ़ में जो JBT और TGT की वैकेंसी निकली हुई हैं उसमें भी कंप्यूटर का जो पार्ट है उसकी भी क्लासेस आप लोग यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में लगभग मिलता जुलता ही टॉपिक दिया होता है कंप्यूटर का, जो जनरल आता है टीचिंग एग्जाम्स में। ठीक है, आज हम लोगों का मेन टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम होते हैं। ठीक है, मतलब इंटरनेट से जुड़े जो भी क्राइम होते हैं और उनकी कैसे सिक्योरिटी की जाती है, कैसे कैसे अटैक हो सकते हैं साइबर, ठीक है, और कैसे उनसे हमें बचना चाहिए, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के जो भी सिलेबस दिया गया है उसके हिसाब से आज आपकी ये अंतिम क्लास है। मतलब इतना ही आपका सिलेबस दिया गया है, फिर भी अगर कुछ इम्पॉर्टेंट लगता है तो वो भी इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपकी DSSSB है, ठीक है, इस और चंडीगढ़ है, उसके अकॉर्डिंग अगर और कुछ ऐड करने का हुआ तो वो भी नेक्स्ट क्लास में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी टीचिंग एग्जाम से वैकेंसी निकलती हैं आपकी, तो उनमें जितना कंप्यूटर आता है उन सब के लिए ही आप ये क्लासेस देख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्यों की जाती है, क्योंकि साइबर क्राइम होते हैं इसलिए साइबर सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाती है। तो सबसे पहले साइबर क्राइम क्या होते हैं। साइबर अपराध शब्द का उपयोग एक गैर कानूनी गतिविधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस जैसे स्मार्टफोन हो गया, आपका टेबलेट हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है, आदि जो अकेले खड़े होते हैं, नेटवर्क का एक हिस्सा होते हैं, को टूल और के रूप में उपयोग किया जाता है, आपराधिक गतिविधि का लक्ष्य रखते हैं। तो साइबर क्राइम क्या है कि आपने देखा है इंटरनेट के माध्यम से कभी कभी होता है कि किसी की बैंक से पैसे निकल गए, ठीक है, या फिर कि आपकी ईमेल हैक कर ली, या फिर आपका कोई चैनल है वो हैक कर लिया गया, ठीक है, और या फिर आपकी कोई इंफॉर्मेशन चुरा ली गई। ठीक, तो इस प्रकार से कि मतलब जो अटैकर्स होते हैं वो इंटरनेट के जरिए किसी न किसी प्रकार से किसी भी कैंडिडेट को, उसकी पर्सनल चीज़ों को छेड़छाड़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम। ये अक्सर विनाशकारी और आपराधिक मानसिकता के लोगों द्वारा बनाए बदला लेने के लालच या रोमांच के लिए किया जाता है। कभी कभी ये किसी से आपराधिक बदला लेने के लिए, या फिर कभी कभी लोग ऐसे मजे मजे में ये सब चीज़ें करते हैं। जैसे आजकल आपका जो AI वगैरह चला है, इसमें भी काफ़ी अपराध जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें कि जो लड़कियों की फ़ोटो हैं उनको किसी भी रूप में दिखा रहे हैं, तो ये सब किस में आते हैं, आपके साइबर क्राइम में आते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो साइबर क्राइम होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनसाइडर अटैक। ठीक, तो ये क्या होता है, अधिकृत सिस्टम एक्सेस वाले किसी व्यक्ति द्वारा नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम पर किए गए हमले को इनसाइडर अटैक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनसाइडर अटैक क्या होता है कि नेटवर्क के जरिए जो सिस्टम को अटैक किया जाता है, हैक कर लिया जाता है, उसको इनसाइडर अटैक बोलते हैं। ये आमतौर पर असंतुष्ट या नाखुश आंतरिक कर्मचारियों और ठेकेदारों द्वारा किया जाता है। तो इनसाइडर अटैक मतलब जैसे कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसी कंपनी के खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर देता है, या फिर कभी उसको किसी प्रकार से डांट पड़ गई है तो उसका बदला लेने के लिए, तो ये सब किस में आ जाते हैं, आपके इनसाइडर अटैक में। अंदरूनी हमले का मकसद बदला या लालच हो सकता है, या फिर किसी ने ज़्यादा पैसे दे दिए कि आप इनकी इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है वो लीक कर दो तो हम आपको इतने पैसे देंगे, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। किसी अंदरूनी व्यक्ति के लिए साइबर हमला करना तुलनात्मक रूप से आसान है, क्योंकि वह नीतियां, प्रक्रियाएं, IT वास्तुकला, सुरक्षा प्रणाली की कमजोरी से अच्छी तरह वाकिफ है। इंसाइडर का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए, मतलब जिसको सब चीज़ों के बारे में जानकारी है वो किसी बदले के रूप में या फिर किसी लालच की वजह से सारी इंफॉर्मेशन लीक कर देता है, या किसी भी प्रकार की गतिविधि जो इंटरनेट से रिलेट करती है, तो वो किस में आ जाता है, आपका इंसाइडर अटैक में। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बाहरी हमला। तो ये क्या है, जब हमलावर को संगठन के किसी अंदरूनी सूत्र या बाहरी इकाई द्वारा काम
पर रखा जाता है तो इसे बाहरी हमले के रूप में जाना जाता है। जो संस्था साइबर हमले का शिकार होती है उसे न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है बल्कि प्रतिष्ठा की भी हानि होती है। चूंकि हमलावर संगठन से बाहर होता है इसलिए ये हमलावर आमतौर पर जानकारी को स्कैन और इकट्ठा करते हैं। ये विशेषज्ञ नेटवर्क सुरक्षा प्रशासक फायरवॉल द्वारा उत्पन्न लॉग पर नियमित नजर रखता है क्योंकि इन फायरवॉल लॉग का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करके बाहरी हमलों का पता लगाया जा सकता है। तो ये बाहरी हमले अब क्या हैं ये हम लोग देखते हैं। बाहरी हमले मतलब जैसे कि आपके बैंक से पैसे निकाल लेना, ठीक है, जैसे काफ़ी ये सब चीज़ें अब तो लोग बहुत अवेयर हो गए हैं इन सब चीज़ों को लेके। ये तो पहले ऐसे होता था कि बैंक की तरफ से फ़ोन आया, आपकी अकाउंट नंबर जानना है, IFSC कोड जानना है, ये सब पूछ के और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन या पैसे वगैरह निकाल लेते थे, ठीक है। तो ये किस प्रकार के हमले हो गए, बाहरी हमले हो गए, ठीक है। साइबर हमलों को हमलावर की परिपक्वता के स्तर के आधार पर संरचना हमलों और असंरचित हमलों के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। कुछ लेखकों ने इन हमलों को बाहरी हमलों के रूप में वर्गीकृत किया है लेकिन ऐसे मामलों की मिसाल जब तक आंतरिक कर्मचारी द्वारा संरचित हमला किया जाता है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं या इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा जानते हैं, उन्होंने बताया है कि कुछ हमले होते हैं जो स्ट्रक्चर मतलब पहले से प्लानिंग वाले होते हैं, कुछ होते हैं अनस्ट्रक्चर मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती, सामान्य रूप से हमला किया जाता है साइबर अटैक, ठीक है। तो अब हम लोग वो भी देख लेते हैं क्या है। तो असंरचित हमले मतलब कोई पहले से प्लानिंग नहीं होती है, ठीक है। ये हमले आमतौर पर परिपक्व लोगों द्वारा किए जाते हैं जिनका साइबर हमला करने का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं होता है। परिपक्व मतलब क्या हो गया कि वो बहुत टेक्नोलॉजी को लेकर जानकारी रखते हैं, वो अचानक से किसी भी प्रकार से ये हमले कर सकते हैं। आमतौर पर ये परिपक्व व्यक्ति किसी यादृच्छिक कंपनी के नेटवर्क पर इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध टूल का परीक्षण करने का प्रयास करते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट है या फिर बहुत बड़े टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म में जैसे अनअकैडमी का भी एक बार पूरा हैक कर लिया गया था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं प्लान नहीं होता, इनका ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमको लेनी है किसी प्रकार से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये किसमें आ जाती हैं, असंरचित हमले में, ठीक है। इसके संरचना पर हमला अब प्लान करके जो करते हैं ज़्यादातर ये लोग कौन करते हैं, जो आपके आतंकवादी वगैरह संगठन से रिलेट करते हैं। आपने देखा मूवी वगैरह में भी देखा होगा पहले से ही पूरी प्लानिंग होती है कि इस प्रकार से यहाँ ऐसी चीज़ें करनी है, ठीक है। कोडिंग वगैरह को उनको काफ़ी ज्ञान होता है, वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं क्योंकि तभी ये सब चीज़ें कर पाते हैं। तो ज़्यादातर आतंकवादी जो गतिविधियाँ होती हैं वो पूरी किस पे होती हैं, स्ट्रक्चर अटैक पे संबंधित होती हैं। इस प्रकार के हमले अत्यधिक कुशल और अनुभवी लोगों द्वारा किए जाते हैं और इन हमलों के उद्देश्य उनके दिमाग में स्पष्ट होते हैं, मतलब पहले से ही प्लानिंग होती है कि ऐसी ऐसी चीज़ें करनी है। उनके पास अपने घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, IDS द्वारा देखे बिना नेटवर्क तक पहुँच प्राप्त करने के लिए परिकृष्ट उपकरणों और प्रौद्योगिकियों तक पहुंच होती है। अब ये है डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, ये सब उपयोग करके पहले से प्लानिंग होती है कि कहाँ कहाँ पे कैसी चीज़ें होती हैं। जैसे आपने देखा है मूवीज़ वगैरह में ज़्यादातर ये दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग प्लानिंग करते हैं और फिर कैसे कैसे हमले करते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि देखते हैं कि आज की क्या समस्या है, क्यों ये सब चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। साइबर अपराध कम निवेश भारी रिटर्न वाला कम जोखिम वाला व्यवसाय बन गया है, मतलब लोग क्या करते हैं कि जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में या फिर किसी और बदला लेने के लिए या फिर मजे मजे में ये सब चीज़ें करते हैं। आजकल की जो आधुनिक समस्याएं हैं, आजकल ये संरचित अपराध अत्यधिक संगठित तरीके से किए जाते हैं, औपचारिक संगठनों की तरह एक आदर्श पदानुक्रम संगठनात्मक सेटअप और उनमें से कुछ विकसित राष्ट्रों के बराबर तकनीकी क्षमताओं स्तर तक पहुँच गए हैं, ठीक है। ये बड़े वित्तीय संगठन रक्षा और परमाणु प्रतिष्ठानों को लक्षित कर रहे हैं और वे ऑनलाइन दवाओं का व्यापार भी करते हैं, ठीक है। काफ़ी जैसे कोविड के टाइम पे भी काफ़ी ऐसी गतिविधियां देखी गई हैं, तो ऑनलाइन क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, डिजिटल इंडिया का प्रावधान चल रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग एक मिनट में ही कहीं से भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये जितनी ही इनके यूज़ हैं मतलब अच्छी चीज़ें हैं ये, उतने ही इनके नुकसान भी हैं, ठीक है। लोग एक दूसरे को साइबर क्राइम के द्वारा बहुत जल्दी
बेवकूफ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे एक स्ट्रक्चर टाइप का दिखाया गया है, जैसे क्रिमिनल बॉस है, फिर उसके अंदर में जो काम करते हैं, फिर उनके अलग अलग मैनेजर होते हैं, ठीक है, फिर कैसे डाटा इंस्टॉल करना है, ये सब की पूरी एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक है, अब रीजन क्या है कि साइबर क्राइम के मेन रीजन जो आजकल देखे जा रहे हैं क्या है। सबसे पहले तो कि पैसा, लोग जल्दी और आसानी से पैसा कमाने के लिए साइबर अपराध करने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, दूसरा है बदला, कुछ लोग दूसरे व्यक्ति, संगठन, समाज, जाति या धर्म की प्रतिष्ठा को बदनाम करके या आर्थिक या शारीरिक नुकसान पहुंचाकर उससे बदला लेने की कोशिश करते हैं। यह साइबर आतंकवाद की श्रेणी में आता है। अब बदला का ये आतंकवाद श्रेणी के में जो भी आ गया, इसके बाद किसी अन्य धर्म को बदनाम करना है, जाति को, मतलब किसी भी तरीके की ऐसी चीजें जिससे लोग भड़के, तो साइबर क्राइम इसलिए भी काफी बढ़ रहा है। आपने देखा नहीं कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है या टेलीग्राम वगैरह पे इतनी जल्दी वायरल होता है। ठीक है, ज्यादातर फेक न्यूज जल्दी वायरल होती है। जैसे आप लोग एकलव मॉडल का अभी तैयारी कर रहे हैं तो उससे जुड़ी आती रहती है कि अब एग्जाम है, अब एग्जाम है, तो ये सब किस में आ गया, ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम में ही आता है। इसके बाद मौज मस्ती, नौसिखिया मौज मस्ती के लिए साइबर क्राइम करता है, वे बस अपने सामने नवीनतम टूल का परीक्षण करना चाहते हैं। ठीक है, मौज मस्ती में हो गया कि किसी लड़की ने किसी चीज़ के लिए मना कर दिया, या फिर कोई भी चीज़ को लेके, मैं लड़की या लड़के में भेद नहीं बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब उसके कहीं से फोटो लीक कर देना या फिर कुछ ऐसा कर देना कि उसकी बदनामी हो या जो भी, तो इस प्रकार की चीज़ें काफ़ी देखी जाती हैं। इसके बाद पहचान, यदि कोई अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क जैसे रक्षा साइटों या नेटवर्क को हैक कर लेता है तो उसे इसे गर्व माना जाता है। अब क्या है कि बहुत से लोग इसलिए करते हैं कि जैसे जिस संस्था में भी वो जुड़े हैं, जिसमें भी काम कर रहे हैं, उनको लगता है कि अगर हम कोई अच्छी सी जो डिफेंस की साइड है या फिर नेटवर्क को हैक कर लेते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि बाकी जो उनके संगठन के जुड़े हुए लोग होते हैं उनको काफ़ी शाबाशी प्रोवाइड करते हैं कि तुमने ये इतना अच्छा काम किया, तो कितनी नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद है गुमनामी। कई बार साइबर स्पेस द्वारा प्रदान की गई गुमनामी व्यक्ति को साइबर अपराध करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वास्तविक दुनिया की तुलना में साइबर स्पेस पर साइबर अपराध करना, गुमनाम रहना बहुत आसान है। वास्तविक दुनिया की तुलना में साइबर दुनिया में आपराधिक गतिविधियों पर निकलना बहुत आसान है। गुमनामी प्रबल भावना सम्मानित नागरिकों की निजी लाभ के लिए अपनी नैतिकता त्यागने के लिए आकर्षित करती है। अब गुमनामी का यहाँ क्या मतलब है कि जैसे आजकल आपने देखा है कि खाने को रोटी नहीं है, पहनने कपड़े नहीं है, लेकिन हमें तो सोशल मीडिया पे अच्छा दिखना है। ज़्यादातर फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। ठीक है, इतने इतने सालों की शादी होती है, आप लोग देखते हैं कि इतना अच्छा सारा फोटोज वगैरह दिखाते हैं, लगता है कि इनका तो कितना अच्छा चले, एकदम से न्यूज आती है कि डिवोर्स वगैरह की, तो ये कहीं ना कहीं एक अलग से ही पर्सनालिटी डिप्लोमेट कह सकते हैं कि मतलब लोग अलग अलग पर्सनालिटी में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि सोशल मीडिया से जुड़ो, लेकिन इतना नहीं कि आप अपनी रियल चीज़ों को भी भूल जाओ। ठीक है, साइबर जासूसी। कई बार सरकार खुद दूसरे व्यक्ति नेटवर्क पर नज़र रखने के लिए साइबर घुसपैठ में शामिल होती है। इसका कारण राजनीतिक, आर्थिक से लेकर सामाजिक रूप से प्रेरित होता है। अब साइबर जासूसी का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों के जो रॉ वगैरह में लोग काम करते हैं, इंडियन आर्मी के लोग काम करते हैं जासूसी के लिए, तो इस प्रकार से साइबर जासूसी भी होती है। ठीक है, सरकार की तरफ के भी लोग होते हैं, मतलब जैसे इंडिया से बाहर वो लोग होते हैं या फिर इंडिया के अंदर दूसरी कंट्री के, तो जैसे खुद लोग जाते हैं, इस प्रकार साइबर से भी ये सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद है कि अब इसके मेन टाइप हैं कौन कौन से होते हैं। मालवेयर सबसे ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा बनता है मालवेयर और उसके टाइप कौन कौन से हैं। मालवेयर का मतलब दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, ठीक है, और इसे उपयोगकर्ता की सहमति के बिना कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने या इंस्टॉल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब ये किस लिए बनाया जाता है कि कोई भी जानकारी लीक करना, कोई भी चीज़ निकालना, ठीक है, और जिसका मतलब जो चीज़ है, जैसे लैपटॉप है आपका, वहाँ पे किसी प्रकार से इसको डेवलप किया जाता है अगर आपकी जानकारी लीक करनी है। ठीक है, वह किसी तीसरे पक्ष के लाभ के लिए होस्ट कंप्यूटर में अवांछित कार्य करते हैं। इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार के मालवेयर मौजूद हैं। अब मालवेयर में भी बहुत से अलग अलग टाइप होते हैं, हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे आपका है यहाँ पे एडवेयर, ठीक है, ये मालवेयर का ही टाइप है। अब एडवेयर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का मालवेयर है
जिसका उपयोग जबरन विज्ञापन के लिए किया जाता है। वे या तो पृष्ठ को किसी विज्ञापन पृष्ठ पर पुनः निर्देशित करते हैं या एक अतिरिक्त पृष्ठ पॉपअप करते हैं, किसी उत्पाद या घटना को बढ़ावा देते हैं। ये एडवेयर उन संगठनों द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है जिनके उत्पादों का विज्ञापन किया जाता है। अब ये जिसे आपने देखा होगा कि आप मतलब नेट पर काम कर रहे हैं, गूगल चला रहे हैं, कुछ भी, तो कुछ ना कुछ ऐसे पॉपअप होके आता रहता है। पॉपअप मतलब कुछ ना कुछ ऐड आता रहेगा, ठीक है। कभी कभी जैसे आपने कोई ऐप डाउनलोड किया तो उसमें कितने सारे ऐड आते हैं, कोई गेम आप लोग खेलते हैं उसमें कितने सारे ऐप आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये मालवेयर के भी एक रूप हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी लोग उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं या फिर जो भी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो ये सब क्या है, मतलब जो ऐड के रूप में आपको दिखाई देता है, एकदम से आप कुछ काम कर रहे हैं या इंटरनेट साइट चला रहे हैं, एकदम से ऐड के रूप में कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, 5 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, तो वो किस में आ जाती है, आपकी एडवेयर। हो सकता है उसमें ये मालवेयर मतलब जैसी कोई संभावना हो। इसके बाद है स्पाईवेयर। अब ये क्या है, ये एक विशेष प्रकार से जिसे उपयोगकर्ता की अनुमति के साथ या उसके बिना लक्ष्य कंप्यूटर में स्थापित किया जाता है, लक्ष्य मशीन से संवेदनशील जानकारी चुराने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अधिकतर ये उपयोगकर्ता की ब्राउजिंग आदतों को इकट्ठा करता है, कंप्यूटर के मालिक की जानकारी के बिना इसे दूरस्थ सर्वर पर भेजता है। अधिकांश समय वे फ्रीवेयर यानी इंटरनेट के मुफ्त एप्लीकेशन प्रोग्राम डाउनलोड करते समय होस्ट कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाते हैं। स्पाईवेयर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये होस्ट कंप्यूटर की कुकीज पर नजर रखता है या बैंकिंग पासवर्ड, आपका संवेदनशील जानकारी आदि को जानने के लिए की लॉगर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो आप समझ गए ना, जैसे आप लोग जब पेमेंट वगैरह करते हैं तभी तो कहते हैं कि गूगल पे डायरेक्ट पेमेंट ना करें, जैसे आपको UPI वगैरह चला रहे हैं तो उसको उसका ऐप रखें, उससे करें, क्योंकि वो सिक्योरिटी उसमें ज़्यादा होती है। जैसे आप गूगल से करते हैं तो अब वहाँ पे अगर सेव का भी आपने देखा होगा कभी चलाते हैं तो उसमें सेव का भी ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपने पेमेंट किया फिर उसमें लिखा जाता है कि आपके कार्ड सेव करना है या नहीं, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं जिनको सही से जानकारी नहीं है, तो वो फिर आपकी जो भी संवेदनशील जानकारी है उसको चुरा सकता है, ठीक है। इसके बाद है ब्राउजर हाईजेकिंग सॉफ्टवेयर, जिसको अपहरण, ये दुर्घटनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जिन्हें इंटरनेट पर उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर के साथ डाउनलोड किया जाता है, उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना होस्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर ब्राउजिंग सेटिंग को संशोधित करता है, लिंक और अन्य अनजाने साइटों पर रिडायरेक्ट करता है। बहुत सारी ऐसी साइटें हैं, जैसे आप कोई भी साइट सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी देख रहे हैं, तो ये क्या होता है कि जो आपका ब्राउजर है वहाँ पर ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं, ठीक है, कि आपने कोई अनवांटेड साइट जैसे आप देख रहे हैं या फिर उसमें कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या ये अपने आप से ही कंप्यूटर में आपके इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक, और आपकी जो भी जानकारी है उसको लीक कर सकता है। इसके बाद है वायरस। तो वायरस से तो सारे लोग ही अवगत हैं, ये ईमेल के द्वारा अटैचमेंट, पेन ड्राइव, जैसे आप किसी की पेन ड्राइव यूज़ करते हैं अपने लैपटॉप में तभी कहते हैं स्कैन कर लेना चाहिए, तो इन सब के जरिए से ये आ सकता है, ऑडियो वीडियो क्लिप, इन सबके द्वारा ये वायरस हो जाता है, ये अपने आप ही इसकी कॉपी वगैरह बनती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद है वॉर्म। वे वायरस एक वर्ग है जो खुद को दोहरा सकते हैं। वे वायरस इस मायने में भिन्न, उन्हें नेटवर्क पर यात्रा करने और संक्रमित मशीन से पूरे नेटवर्क फैलने के लिए मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। वॉर्म का मतलब है कि कोई वायरस का ही एक रूप है, ये आपके कंप्यूटर में आया फिर ये अपने आप से अपनी कॉपीज बनाता रहता है पूरे कंप्यूटर में, ठीक है, कि जो भी जानकारी जो जिसको भी चाहिए है वो वहाँ तक अपने आप जानकारी लीक करवा देता है, ठीक है। इसके बाद है ट्रोजन हॉर्स होता है एक आपका। ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर करके होस्ट मशीन में इंस्टॉल किया जाता है। उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है, ये फाइल डाउनलोड करता है तो किसी वैध स्रोत से उपयोग फाइल या सॉफ्टवेयर होने का दिखावा करता है। ये न केवल डाटा में हेरफेर करके होस्ट कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है बल्कि ये होस्ट कंप्यूटर में एक बैक डोर भी बनाता है ताकि इसे रिमोट कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जा सके। ये बॉटनेट रोबोट नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, कंप्यूटर का एक नेटवर्क जो दुर्भावनापूर्ण कोड से संक्रमित होता है। ये केंद्रीय नियंत्रक द्वारा नियंत्रित होता है, एक नेटवर्क जो कंप्यूटर दुर्भावनापूर्ण कोड से संक्रमित होते हैं उन्हें जॉम्बी कहा जाता है। ट्रोजन ना तो नेटवर्क में ना अन कंप्यूटर के संक्रमित और ना ही इनकी प्रतिकृति बनती है, मतलब इनकी कोई कॉपी नहीं बनती है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया गया किसी भी तरीके से,
ठीक है, फिर क्या होता है कि अब आपके कंप्यूटर को कोई और ही चला रहा है, मतलब अपने आप से सारी चीजें इसकी कॉपी नहीं बनती है, लेकिन कह सकते हैं कि आपने अपने कंप्यूटर का कंट्रोल और किसी के हाथ में दे दिया, तो उसमें क्या कौन सा होता है, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। इसके बाद स्केयरवेयर है, स्केयर इंटरनेट हमारे बात करने, खरीदने, खेलने आदि तरीकों को बदल दिया है उसने। अपराधियों द्वारा फिरौतों के लिए लोगों को निशाना बनाने के लिए तरीकों को भी बदल दिया। इंटरनेट पर सफरिंग करते समय अचानक स्क्रीन पे एक पॉपअप अलर्ट दिखाई देता है जो यूजर्स के कंप्यूटर में खतरनाक वायरस, स्पाइवेयर आदि की मौजूदगी की चेतावनी देता है। उपचारात्मक उपाय के रूप में संदेश में सॉफ्टवेयर का पूर्ण भुगतान वाला संस्करण डाउनलोड करने का सुझाव दिया गया है। जैसे कि उपयोगकर्ता डाउनलोड करना शुरू करता है, एक दुर्भावनापूर्ण कोड, इसे स्केयरवेयर के रूप में जाना जाता है, होस्ट कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है। ये फिरौती का भुगतान होते तक होस्ट कंप्यूटर को बंधक बनाए, मतलब स्केयरवेयर में क्या होता है कि इस प्रकार से कंप्यूटर को अपने कब्जे में ले लेता है, कि मेन ये ज़्यादातर पैसे को अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे कौन सा होता है, स्केयरवेयर आपका मालवेयर होता है। अब यहाँ पे साइबर क्राइम के टाइप दिए गए हैं कि साइबर क्राइम कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे साइबर स्टॉकिंग, ये इंटरनेट कंप्यूटर के माध्यम किसी का पीछा करने, परेशान करने या धमकी का कृत्य है। स्टॉकिंग मतलब क्या होता है कि किसी के पीछा करना, नॉर्मल जैसे कोई किसी के पीछे पड़ जाता है उसे बदनाम करने के लिए या फालतू में परेशान करने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ से, साइबर के थ्रू ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा करके व्यक्ति किसी को बदनाम करने के लिए ईमेल, सोशल नेटवर्क, इंस्टेंट मैसेंजर, वेब पोस्टिंग आदि को माध्यम के रूप में इंटरनेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये गुमनामी प्रदान करता है, इस प्रकार झूठे आरोप, धमकी, नाबालिगों का यौन शोषण, निगरानी आदि इसमें शामिल होती है। साइबर स्टॉकिंग, स्टॉकिंग तो आपको पता है ना कि किसी के पीछे पड़ जाना उसे परेशान करने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंटरनेट के थ्रू जो ये सब चीज़ें होती हैं तो वो किसमें आ जाती हैं, आपकी साइबर स्टॉकिंग में, ठीक है। इसके बाद है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, प्रोग्री एंड काउंटफिटिंग। बाल पोर्नोग्राफी तो आपको पता ही है कि 18 साल से कम साल के बच्चों का कोई वीडियो उल्टा सीधा बना लेना, वो अपलोड कर देना, ये सब चीज़ें। इसके बाद जालसाजी, जालसाजी में क्या है कि किसी की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक कर लेना, फिर उसको उसके माध्यम से धमकाना, ठीक है, कि इतने ये सब चीज़ें की जाए, नहीं तो आपकी ये चीज़ लीक कर दी जाएगी, ऐसे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसका सॉफ्टवेयर प्रेसी एंड क्राइम, ये क्या है, सॉफ्टवेयर चोरी और आईपीआर से संबंधित अपराध। सॉफ्टवेयर चोरी व्यक्तिगत उपयोग या व्यवसाय के लिए अवैध पुनरुत्पादन और वितरण है, मतलब साइबर चोरी। अब जैसे क्या होता है, जैसे गाने डाउनलोड करना, फिल्म डाउनलोड करना आदि, मतलब उल्टी सीधे चीजें देखना, ये सब किस में आ जाता है आपका, ये भी एक क्राइम में ही आ जाता है। जैसे बहुत सारी जगह पे बहुत सारी साइटें बैन कर दी जाती हैं इसी सब वजह से, ठीक है। इसके साइबर टेररिज्म, ये तो आपको सबको पता है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, ये राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, सरकार, नागरिक, आबादी, ठीक है, जितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये किस में आ जाती हैं, आपके आतंकवाद की श्रेणी में आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइबर टेररिज्म, ठीक है। इसके बाद है फिशिंग, इससे भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक संचार में एक भरोसेमंद इकाई के रूप में प्रचन होकर ईमेल के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया रखता है। फिशिंग क्या होता है कि ये ईमेल के थ्रू ज़्यादातर आपके कंप्यूटर में आता है। जैसे कोई भी देखना ही आपने, स्पैम करके कोई स्पैम का एक फोल्डर होता है, उसमें बहुत सारे ईमेल पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आके आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं, जैसे क्योंकि ज़्यादातर ईमेल में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पर्सनल रहती भी हैं, व्यक्तिगत पासवर्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, इन सब चीज़ों की चोरी हो कर लेता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। अब फिशिंग भी आपकी इसमें क्या है, स्मैशिंग होता है, ग्राहकों को लुभाने के लिए एसएमएस का उपयोग करना, एसएमएस वगैरह के माध्यम से आता है, ठीक है। जैसे कि आपकी इतनी करोड़ की लॉटरी लग गई है, ऐसे मैसेज आते हैं ना, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, कभी ऑडियो के माध्यम से भी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, फिशिंग में आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद एक कंप्यूटर वैंडलिज्म, ये भौतिक बल या दुर्भावनापूर्ण कोड का उपयोग करके कंप्यूटर संसाधनों को भौतिक रूप से नष्ट करने का कार्य करता है, मतलब कंप्यूटर को ही नष्ट करने का काम करता है। भौतिक मतलब
जो भी पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे कोई कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है कुछ भी, तो उसको नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हैकिंग, आपको पता है कि कंप्यूटर को हैक करने का सिस्टम बना है किसी भी राजनीतिक मामले से, ठीक है, आतंकवादी हमले के मामले से, या फिर किसी को बदनाम करने के मामले से, या फिर किसी की ऐसी जानकारी किसी के पास है तो उससे पैसे ऐंठने के मामले से, तो ये सब हैकिंग में आ जाता है आपका। ठीक है, इसके बाद हैकर्स भी, आप यहाँ पे हैकर्स के टाइप बताए गए हैं, यहाँ पे हैकर्स के टाइप बताए गए, हैकर्स भी आपके कई प्रकार के होते हैं। एक तो वाइट हैकर होते हैं, वाइट हैकर मतलब जैसे आप सरकारी एजेंसी वगैरह में काम करते हैं, जो लोग जो अच्छे, उनका मतलब पर्पस सही होता है और गवर्नमेंट की तरफ से उनको अलाउ होता है कि ये सब चीज़ें जानकारी, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि डिजिटल चीज़ें इतनी हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, कहीं पे कोई गतिविधि नहीं हो रही है, आतंकवादी कोई सूचना मिल रही है, तो जो मतलब एक पूरे संरक्षण में होती है, गवर्नमेंट को सब चीज़ें पता होती हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए की जाती है। ठीक है, तो वो किस में आ जाती है आपकी, वाइट हैकिंग में, इसको एथिकल हैकर भी बोलते हैं। ठीक है, और इनको बाकायदा सैलरी वगैरह भी दी जाती है। ठीक है, इसके अंदर ब्लैक हैट, सफ़ेद हैट के विपरीत ये बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से प्रेरित इरादों के सिस्टम को हैक करना, मतलब किसी की जानकारी के बिना, किसी की परमिशन के बिना सिस्टम को हैक करना। ठीक है, और इरादे क्या होते हैं, गलत इरादों से। यहाँ पे क्या था कि इरादे सही हैं, मतलब कोई जानकारी कि हम अपनी जनता को या किसी को बचा सकें उसके लिए हैक करना, तो वो वाइट हैकिंग में आ जाएगा। ठीक है, और इरादे अगर गलत हैं तो वो किस में आ जाएगा आपका, ब्लैक हैकिंग। ठीक है, जिसको पटाखे क्रैकर्स भी बोलते हैं, मतलब धमाका करने के उद्देश्य से। इसके बाद ग्रे हैट होता है आपका, ग्रे हैट हैकर सुरक्षा कर्मचारियों को पता लगाने और साइट प्रशासकों को रिपोर्ट करने और परामर्श शुल्क के लिए सुरक्षा बग को ठीक करने के लिए पेशकश करते हैं। ठीक है, ये भी सुरक्षा से संबंधित ही जानकारी को पता लगाने के लिए किया जाता है कि कौन सी सुरक्षा में ऐसी कमी रहेगी उनको। ठीक है, इन सब के लिए ब्लू हैट होता है आपका, फर्मों के बाहर कोई व्यक्ति जिसका काम किसी सिस्टम को लॉन्च से पहले बग परीक्षण कारनामे की तलाश करने के लिए किया जाता है ताकि उसे बंद किया जा सके। अब जैसे मान लो कोई एकदम से दुर्घटना की संभावना मिली है, ये सब ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह, आपकी पुलिस से संबंधित या फिर आर्मी से संबंधित चीज़ें होती हैं, उनमें ये सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद क्रिएटिंग डिस्टर्बिंग वायरस ओवर द इंटरनेट, वायरस फैलने से किसी संगठन को व्यावसायिक और वित्तीय नुकसान हो सकता है, मतलब कि वायरस अगर फैलता है तो उससे क्या क्या हानि हो सकती है। ठीक है, डाउन टाइम द्वारा व्यवसाय को नुकसान हो सकता है, भारी नुकसान भी हो जाते हैं कभी कभी, यदि ऐसा पाया गया तो संगठन हैकर पर संगठन द्वारा वहन किए गए नुकसान से अधिक उसके बराबर राशि के लिए मुकदमा किया जा सकता है। मतलब अगर आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार से हैकिंग हुई है, किसके द्वारा हुई है, तो उस पर इसका मुकदमा भी किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद है आपकी स्पैमिंग, ये भी आपका साइबर क्राइम में ही आता है। इंटरनेट पर अनचाहे व्यवसायिक थोक संदेश भेजना स्पैमिंग के रूप में जाना जाता है, किसी ईमेल या स्पैम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। स्पैम तो आप जानते हैं, जैसे ईमेल आपका होता है, इसमें एक स्पैम का अलग ही फोल्डर होता है, जैसे आपके पास मेल आ सकता है। ठीक है, किसी व्यक्ति की पहचान का कोई चीज़ उसके पास हो सकती है, या फिर है कि कुछ भी जो आप से रिलेटेड नहीं है ऐसा कोई ईमेल आ जाता है, तो किस में आ जाता है, स्पैमिंग में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है, जो भी आप साइट ज़्यादा यूज़ करते हैं उनसे रिलेटेड, आपने देखा है गूगल में जब सर्च करते हैं, जैसे आप जो भी चीज़ ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड आपके ऐड आने लगते हैं, उसी से रिलेटेड, जैसे आपने एक वर्ड टाइप किया तो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड आपके सामने आ जाएंगी। तो ये कैसे होता है, ये कुकीज़ के माध्यम से होता है, तो इन कुकीज़ के माध्यम से ही वायरस भी फैल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन ऑडक्शन फ्रॉड, ऑनलाइन जो फ्रॉड होते हैं, ठीक है, वेबसाइटें हैक हो जाती हैं, ऐसी वेबसाइटें बनाई जाती हैं जहाँ पे अगर आप क्लिक वगैरह करते हैं तो बहुत नुकसान हो जाता है। साइबर स्क्वैटिंग, किसी ट्रेडमार्क डोमेन नाम को आरक्षित करने का एक कार्य है, जिसे बाद में इस संगठन को बेचने के इरादे से ट्रेडमार्क मालिक, मतलब जैसे किसी ने वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसका ट्रेडमार्क है तो उसको खरीद लेते हैं ऑनलाइन ही, आपको पता भी नहीं चलता। मान लो आपकी कोई वेबसाइट है, आपकी ट्रेडमार्क उसमें दिया है, ठीक है, तो उसका डोमेन नेम है
तो क्या है कि ऑनलाइन ऑनलाइन ही एक दूसरे को बेच देते हैं, जिसका है उसको पता ही नहीं चलता है। तो ये सब चीजें भी क्राइम में ही आती हैं। लॉजिक बॉम्ब है आपका, ये कंप्यूटर में ऐसे सॉफ्टवेयर आपके डाल देते हैं जिससे कि जो भी आपकी जानकारी है उसको चुराया जा सके, और जो भी आपका कुछ प्रोजेक्ट या कुछ किसी काम कर रहे हैं उसको भी हानि पहुंचा सकता है। ठीक है, वेब जैकिंग होता है आपका। अब वेब जैकिंग क्या है? हैकर किसी संगठन की वेबसाइट तक पहुंच प्राप्त करता है, या तो उसे ब्लॉक कर देता है, या राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हित की पूर्ति के लिए संशोधन कर देता है। ठीक है, वेब जैकिंग के हालिया उदाहरण, जैसे शैक्षणिक संस्थानों की कुछ वेबसाइटों को पाकिस्तानी हैकरों द्वारा हैक कर लिया गया था, और इन वेबसाइटों के मुख्य पृष्ठ पर एक एनिमेशन दिखाया गया था जिसमें पाकिस्तानी झंडे लगे थे। तो ये सब किस में आ जाती है? आपकी वेब जैकिंग, मतलब कोई साइट आप खोलेंगे उस पर और ही। ठीक है, ऐसे 2014 में भी ऐसा हुआ था, भारत की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय हैकरों ने पाकिस्तानी रेलवे वेबसाइट को हैक कर लिया और होम पेज पर कई घंटों तक भारतीय ध्वज लहराए। पहले इन्होंने ऐसा काम किया, फिर इंडियन ने भी ऐसा काम किया। तो ये किस में आ जाता है? आपका वेब जैकिंग में आ जाता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, ये एक साइबर हमला है जिसमें नेटवर्क अवरुद्ध हो जाता है, अक्सर बेकार ट्रैफिक से भरकर ध्वस्त हो जाता है। इस प्रकार वैध नेटवर्किंग ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। ठीक है, डिनाइल सर्विस अटैक, आपने देखा है कि कहीं कहीं पर कोई परीक्षाएं होती हैं तो पूरा नेटवर्क वहां का बंद कर दिया जाता है। तो ये सब किस में आता है? डिनाइल ऑफ सर्विस में। ठीक है, इसके सलामी अटैक है आपका, छोटे छोटे बदलावों के साथ आगे बढ़ता है, अंतिम रूप से जुड़कर एक बड़े हमले की ओर बढ़ता चला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक पूरा प्री प्लान ग्रुप चल रहा होता है कि छोटी छोटी चीजें की जाती हैं कोई एक बड़े उद्देश्य के लिए, ये सब उसके लिए उनको सैलरी वगैरह भी दी जाती है। ये सब ऑनलाइन ही ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कोई बड़ी बैंक को ही हैक करना है, ठीक है, उसका पूरा सिस्टम हैक करना है, पैसे निकालने हैं, तो ये सब चीजें की जाती हैं। ठीक है, इसके डाटा, ये कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश, डाटा डिगलिंग, ये कंप्यूटर सिस्टम में प्रवेश से पहले डेटा को बदलने की एक प्रथा है। अक्सर डेटा पर निष्पादन पूरे होने के बाद मूल डेटा को बरकरार रखा जाता है। उदाहरण के लिए वेतन गणना के लिए किसी व्यक्ति के पेरोल डेटा में डीए या व्यक्ति का मूल वेतन बदल देना, मतलब इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति की जो सैलरी वगैरह है उसमें ही जो उसकी सैलरी से पहले उसका इनवॉइस बनता है, मतलब लिखित में, तो उसमें कोई चीज बदल देना। ठीक है, तो वो किसमें आ जाती है? मतलब जो भी डेटा है उसमें कुछ छेड़खानी कर देना। स्पूफिंग, ईमेल की हेडर जानकारी को बदलने के लिए एक प्रक्रिया है ताकि इसे मूल स्रोत की पहचान ना हो और प्राप्तकर्ता व्यक्ति को ये प्रतीत हो कि ईमेल मूल स्रोत के अलावा किसी अन्य स्रोत से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये ईमेल से संबंधित क्राइम है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने सारे थोड़े थोड़े लिए हुए हैं कि आप ज़्यादातर आपकी जैसे फिशिंग है, स्पैमिंग है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारी चीज़ें हैं जो भी साइबर क्राइम है उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, कैसे कैसे आप लोग देख सकते हैं कि साइबर हमले भी किए जाते हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल पूरा डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है। आप भी जैसे कंप्यूटर पे काम करते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें कोई भी चीज़ अगर होती है। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है तो शेयर कर सकते हैं, और जिसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ये यूट्यूब चैनल है, ये भी शेयर कर सकते हैं जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं। और ये वाला पोर्शन है जो मतलब जितने भी टीचिंग एग्जाम है सबके लिए ही इम्पोर्टेंट है, तो आप किसी भी बच्चे को शेयर कर सकते हैं जिसके भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है। ठीक है, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।